मिताली, वेलकम बैक टू ईवेज हैप्पी थॉट है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हों। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्पीड एंड वेलोसिटी का नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन क्या है चलिए समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिस तरीके से हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन यानी कि हमारा स्पीड का कॉन्सेप्ट समझा था, उसी सेम तरीके से हमारा एक्सेलरेशन भी होता है। दैट मींस जब भी स्पीड या वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर रेट है, तो रेट यानी कि टाइम के अपॉन में जब भी हमारी स्पीड या वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार चीज देखो, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो कि यहाँ पर स्पीड क्यों नहीं ली, वेलोसिटी क्यों लिखी है? तो वहां पर पॉइंट ये है कि स्पीड डायरेक्शन को कभी भी इंक्लूड नहीं करती है ना। स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू लेके बात करती है, पर वेलोसिटी के पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये? आपने कभी भी नोट किया होगा जब भी हम किसी स्कूटर या बाइक पे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम पीछे बैठे हैं, जैसे ही स्टार्ट होती है तो एकदम हम पीछे की तरफ हमें धक्का लगता है ना। सिमिलरली कभी भी कोई भी गाड़ी या बस में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और उस बस ने यू टर्न लिया है, तो जिस भी डायरेक्शन में वो टर्न ले रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम भी ऐसे मूव होने लगते हैं, राइट? तो वहां पर एक्सेलरेशन काम हो रहा है, ठीक है, काम कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मींस आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, तो आपके बॉडी में, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, ऐसे टाइप के मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है। सो दैट इज व्हाई चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार फॉर्मूला देखते हैं। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। नाउ क्योंकि यहाँ पर मैंने चेंज इन वेलोसिटी लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल फाइनल का पंगा यहाँ पे जरूर है, राइट? तो यहाँ पर टी माइनस यू बाई टी करेंगे, वेयर आर वी स्टैंड्स फॉर द फाइनल वेलोसिटी एंड आई स्टैंड्स फॉर द इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? चलिए यहाँ तक तो सब ठीक है, एक बार इसकी SI यूनिट्स भी देख लेते हैं। क्योंकि ये टाइम वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी की यूनिट हमने क्या पढ़ी थी? मीटर पर सेकेंड, और अगेन टाइम के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन का SI यूनिट बनता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में और बात करते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कोई भी स्ट्रेट लाइन में आपका मोशन है, यानी कि आपकी कार ए से बी पॉइंट तक पहुंचना चाहती है। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि हमारा जो मोशन है दैट विल बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यानी कि हमारा सेम रहेगा मोशन। ठीक है, ज्यादा उसमें स्पीड में या हमारे टाइम डिफरेंस में चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो अगर मेरे कार ने 10 मीटर का डिस्टेंस करीबन 2 सेकंड्स में कवर किया है, तो नेक्स्ट 10 मीटर का डिस्टेंस भी मैं यही कह सकती हूँ कि वो 2 सेकंड में कवर कर रहा है। अगर हमारी कार बिल्कुल इसी तरीके से चल रही है, दैट मींस एट अ कांस्टेंट रेट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे जो भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल चेंज आ रहा है। ठीक है, चाहे उसमें इंक्रीज हो डिक्रीज हो, यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 4 सेकंड्स में 20 मीटर चला है। ठीक है, तो कांस्टेंट रेट पे अगर चेंज आएगा तो वहां पे जो हमारा एक्सेलरेशन है दैट विल बी नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, लेकिन इसका केस ऑपोजिट भी हो सकता है। पहली बात, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी। अगर ये यहाँ से ऐसे गिरने लगेगा तो चाहे जितना भी नीचे तक गिरे लेकिन उसकी स्पीड अपने आप चेंज नहीं होगी। तो हमारी कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी जो भी होती है वो एक कांस्टेंट रेट पर फॉल करती है। ठीक है, तो वो एग्जांपल आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। नाउ अब यहाँ पर इफ आवर वेलोसिटी चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट, तो नॉन यूनिफॉर्म रेट का क्या मतलब है इसमें? सपोज चलिए टाइम डिफरेंस हम सेम लेते हैं, 2 सेकंड्स के अंदर इसने 10 मीटर ना करके 7 मीटर कवर किया।
बस ऐसा मान लेते हैं कि हमारी रोड पे ट्रैफिक बढ़ गया है, अपने आप कई बार हमें स्पीड को कम या ज्यादा करना पड़ रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन चेंज कर रहे हैं। वो करते हैं ना, हम पूरे बाइक में आपको दिखता है घड़ 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 चलती रहती है, तो वही उसी एक्सेलरेशन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब इससे आगे चले, हमें रोड थोड़ा खाली मिल गया, वी कैन इंक्रीज आवर स्पीड। तो यहाँ पर अगेन 2 सेकंड्स के अंदर हमने नोट किया कि वो 15 मीटर तक पहुंच गया। तो आप देखिए कि कितना स्पीड में वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, अगर स्पीड में इतना वेरिएशन रहेगा तो वो यूनिफॉर्म तो नहीं है, जाहिर सी बात है। कैसी स्पीड है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, राइट? और इस वजह से वो एक्सेलरेशन कैसा कहलाया जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्मिटी की। अब हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है एक्सेलरेशन को लेके, वो ये कि अगर हमारी स्पीड आगे बढ़ रही है, दैट मींस अगर हमारा एक्सेलरेशन आगे मूव कर रहा है, तो वो एक्सेलरेशन उस वक्त पॉजिटिव कहलाया जाता है, यस। ठीक है, वही अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारी वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो उस एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन से जाना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं डी एक्सेलरेशन भी उसे कई बार बोला जाता है। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाए, चाहे उसे डी एक्सेलरेशन बोला जाए, बात सेम ही है। आप कुछ भी उसे यूज कर सकते हैं, और नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए यूज होता है कि आप ये शो कर सके कि वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्सेलरेशन। अब मोशन चैप्टर के सभी मेन कैरेक्टर्स को हमने पढ़ लिया है, इसके बाद इन पे बेस्ड मोशन की इक्वेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर वीडियोस, सच वीडियोस, एंड अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।